इंदौर में बावड़ियों को किया जा रहा अतिक्रमण मुक्त। इंदौर में बावड़ी हादसे में 36 लोगों ने गवाई अपनी जान। इंदौर शहर के पटेल नगर स्थित बालेश्वर महादेव मंदिर में हुए बड़े हादसे के बाद जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई थी। मंदिर परिसर को अवैध रूप से बनाया गया था, जिस पर आज नगर निगम जिला प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 5 पोकलेन मशीन की मदद से जमीन दोष किया। मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी व पुलिस बल मौजूद रहा। दरअसल आपको बता दें, पटेल नगर स्थित बेड़ेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में रामनवमी के मौके पर बड़ा हादसा हुआ था। बावड़ी की छत धस जाने से 36 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रदेश के मुख्य शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन लेते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को आदेशित किया था। अवैध रूप से बावड़ियों पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर अतिक्रमण मुक्त की जाए, जिसको लेकर आज इंदौर शहर में अलग अलग स्थानों पर बावड़ियों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की है। तो वहीं ढक्कन वाला कुआं पर भी नगर निगम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए बावड़ी पर अतिक्रमण को हटाया है। संवाददाता जय सिमरिया की रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं, विगत दिनों में इंदौर में एक दुखद हादसा हुआ जिसमें 36 लोगों की जानें चली गईं, और हर हादसे से हमको सबक लेना चाहिए। अभी हम वर्तमान में उन कुएं बावड़ियों को, बोरवेल्स को देख रहे हैं जहां पर कि मानव जीवन को आसन्न संकट और खतरा उत्पन्न हो सकता है। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो सर्वे दल बनाए गए थे, उन्होंने जो स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई किए थे, आज स्नेह नगर में ढक्कन वाला कुआँ और सुखलिया तथा गाडरा खेड़ी में 4 जगह पर पैरेलल कार्रवाई संपादित की गई है। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारे जो SDMs हैं और जो दल है पंचायत के, वो बोरवेल्स को भी देख रहे हैं, और कल लगभग 55 बोरवेल्स हैं जिनमें कैप लगाए गए थे। अभी जब ये कार्रवाई चल रही थी उस समय कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता भी आए थे, उनके द्वारा ये कहा गया कि कार्रवाई निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। तो हम लोगों ने उनको बताया कि कार्रवाई किसी रिलीजन के लिए नहीं हो रही है, कार्रवाई इसलिए हो रही है कि जहाँ पर कुएँ और बावड़ी हैं, और कोई भी कुआँ या बावड़ी ऐसा नहीं हो कि हमको उसका अंदर कितना डीप है, कितने एरिया में है, ये पता नहीं रहे, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये बातें हमने उनको समझाई हैं।